हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्वीन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बाबा शिव माँ शक्ति के चरणों में आप सभी के लिए दिल से प्रार्थना करती हूँ। जो भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो ये सुनने वाले व्यूवर्स हैं, उनकी सारी उनकी तकलीफें दूर करे और उनकी जो भी मंशा है, उनकी जो भी विश है वो पूरी करे। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ, ये शिव और माँ शक्ति ने मुझे गाइड करा हुआ है। चलो देखते हैं कि वो मुझसे क्या बुलवाएंगे। जो जो मुझे डाउनलोडिंग होता जाएगा मैं वैसे बातें करते जाऊंगी, क्योंकि मैं पहले से ही कुछ भी प्री प्लान करके नहीं बैठती, क्योंकि ये मेरा भाव है कि जो मुझसे बुलवाना होता है वो मुझे मुझसे जो है बाबा शिव माँ शक्ति बुलवाते हैं। और मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि एंड तक आप सुनिएगा, शायद आपके कोई सवाल होंगे तो उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ये नहीं कह सकता, मतलब पहले से ही ये प्रिपेयर नहीं होता है तो पता नहीं किसके लिए क्या कौन सा जवाब मिल जाएगा। और शायद आप जो फिलहाल कंफ्यूजन में हो, वहाँ पे आप थोड़े से रिलीफ, थोड़े से रिलीज और थोड़े से लाइक नॉर्मल फील करोगे। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो जो ये है कि हम लोग ये जो ट्वीन फ्लेम जर्नी, जब सेपरेशन मोड होता है, जो हम हमारे साथ जो हमने हमें हमारे जो काउंटर पार्ट है जो रनर कहते हैं, एक्चुअली रनर ये जो एनर्जी होती है, इसमें ऐसा नहीं होता कि डिवाइन मस्कुलिन ही रनर होते हैं और डिवाइन फेमिनिन जो रहती है वो हमेशा चेजर ही होती है, ऐसे कुछ नहीं है। ये एक्चुअली बिल्कुल चेजर्स और रनर ये जो सीन है ना, ये बिल्कुल अपनी एनर्जी के डिपेंड होता है ऊपर, ये अपने फिजिकल फॉर्म पे नहीं होता। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि डिवाइन फेमिनिन भी रनर होती है, और कोई कोई केसेस में ऐसे भी होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि डिवाइन मस्कुलिन जो है वो चेजर होते हैं, ठीक है ना। तो मैं एनर्जी फॉर्म पे बात करूंगी, तो आप इस तरीके से देख लीजिएगा। तो ठीक है, तो बाबा शिव माँ शक्ति ने आज जो मुझे टॉपिक दिया है वो ये दिया है कि हम लोग जब ये सेपरेशन मोड में होते हैं तो जो हम लोग देख रहे हैं वर्सेस हम लोग क्या सेंस करते हैं, इसके ऊपर जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि ये देखा देखी में जो हम लोग हैं, अंदर जो हमारी गट फीलिंग होती है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और हमारी जर्नी को हम अपने हाथों से ही और ज़्यादा डिले करते हैं। ट्वीन फ्लेम जर्नी की जो बात मैं करूँ तो ये जो जर्नी है, अगर हम अपने काउंटर पार्ट को अगर हम लोग क्रॉस हुए हैं, हमारे आमने सामने हमारा इंट्रैक्शन हुआ है, तो आप इस दुनिया के किसी भी एंड कोने तक चले जाओ, आपका रीयूनियन होना ही होना है। आपका यूनियन ये जो है बिल्कुल तय है, क्योंकि अगर ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने, अगर बाबा शिव माँ शक्ति ने अगर हमें मिलाया हुआ है तो ये हमें फिर से अलग करने में कोई उसकी पॉइंट है ही नहीं। सिर्फ ये हम लोग इस सेपरेशन मोड इसलिए आता है क्योंकि एक दूसरे को जो रनर और चेजर हैं उनकी वैल्यू वो समझ जाए, इसके लिए उन्हें वो अलग किया होता है। बहुत से ज़्यादा उन्हें इनर वर्क्स होते हैं, उन्हें हील करना होता है अपने आप को, जैसे ट्रामा होता है, बहुत से ट्रामाज होते हैं, वो सब उन्हें उनके शैडो वर्क होता है, वो सब हील करना होता है, इसके लिए हमें अलग अलग किया हुआ होता है। लेकिन ये दिखता है फिजिकल फॉर्म में, लेकिन अगर आप हायर सेल्फ के थ्रू देखोगे, अगर इनर सेल्फ के थ्रू देखोगे, तो आप ये जान जाओगे कि आप एक सेकेंड के लिए भी अपने काउंटर पार्ट से अलग नहीं होते। और ये एक्चुअली ये जो अलग होना नहीं होते मैं जो बोल रही हूँ, ये बिल्कुल जो है रनर को भी अप्लाई होता है। ये सिर्फ चेजर की तरफ से नहीं होता, ये रनर को भी अप्लाई होता है, और रनर भी एक सेकंड के लिए भी अपने चेजर या जो अपने डिवाइन फेमिनियन है उन्हें भूल नहीं पाते, ठीक है ना। तो जो हम देख रहे हैं वर्सेस आप जो क्या सेंस करते हो, ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस जर्नी में। इनर सेल्फ आपका क्या कहता है, आप मतलब इनकी अपनी गट फीलिंग्स क्या कहती है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हमें बहुत सी चीज़ें ऐसे दिखाते हैं हमारे रनर्स कि जैसे स्टेटस कुछ डाल रहे हैं और बातें कुछ अलग कर रहे हैं, या इंस्टाग्राम पे खूब जाते हैं और कुछ अलग अलग ऐसे दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश है और सब उनके लाइफ में बहुत ओके है। अगर उनकी लाइफ में ओके है तो उन्हें शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो भी
ऐसे कुछ बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, उन्हें शो ऑफ दिखाने की जरूरत पड़नी चाहिए कि हाँ हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, या मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ ऐसे लाइक लाइफ में मेरे सब कुछ ठीक है, ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये बिल्कुल शो ऑफ होता है। तो हमें उन्हें देखने के बाद भी अपनी गट फीलिंग क्या कहती है ये, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने गट फीलिंग के ऊपर और अपने इनर सेल्फ के ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो डाउट है ना, यही हमारी सेपरेशन जो पीरियड है उसे और ज़्यादा बढ़ा देता है। हमने अपने बिल्कुल हायर सेल्फ पे विश्वास रख के, अपने इनर सेल्फ के ऊपर ध्यान दे के, अपने जो काउंटर पार्ट है उनकी हायर सेल्फ से बात करके, उनके हायर सेल्फ से हम अटैच्ड होके उनके बारे में जान सकते हैं। ये भी एक टेक्निक है, मैं इन फ्यूचर जरूर आऊंगी इसके ऊपर। अगर बाबा शिव महाशक्ति ने मुझे गाइड करा तो मैं बिल्कुल इसके ऊपर भी बात करूंगी। तो हम जो भी ये देखते हैं ना, तो मैं ये कह रही थी कि इसके ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले तो आप बैठ के पहले देखो कि आप क्या देख रहे हो इसके ऊपर। हमने पहले तो मैं बताऊंगी, जो भी बाहर का जो भी आप देख रहे हो उसे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका रिएक्शन ही जो है ना, ये हमारे ऑरा को और अपने इनर सेल्फ को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो बिल्कुल देख के ना आप उसे इग्नोर ही कर दो, क्योंकि जो दिखा रहे हैं वो दिखावा है, और जो होता है उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो हमें वो जो दिखा रहे हैं या उनको जो भी दिखाना होता है रनर्स को, तो उन्हें दिखाने दीजिए, आप इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करोगे। रिएक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप मैसेज करोगे या आप उनसे फ़ोन पे बात करोगे एंड ऑल, नहीं। रिएक्ट का मतलब आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हो और आपकी एनर्जी पास कर देते हो, आप कोई एंग्री वाली या जो भी सोचते हो तो वो तुरंत ही कैच कर जाते हैं रनर्स, क्योंकि हमारी कॉर्ड जो हार्ट चक्रास उनके साथ जुड़ी हुई होती है, तो विद इन सेकेंड वो सेंस कर जाते हैं। जैसे उनकी भी बहुत सी चीज़ें हैं हम कर जाते हैं सेंस, लेकिन हमें ना ये लगता है कि नहीं ये हमारी फीलिंग है। तो ये भी एक आर्ट है कि जब हम बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, तो ये आपने शांति से बैठ के ये देखना है कि क्या सच में ये जो फीलिंग है या ये मिसिंग एनर्जी है जो मैं अब तक के नॉर्मल थी और ऑल ऑफ सडन या नॉर्मल था और ऑल ऑफ सडन मुझे ये ऐसे कुछ फीलिंग आ रही है, तो या सच में ये मेरी फीलिंग है या मेरे काउंटर पार्ट की है, ये देखना भी एक आर्ट है। इसके लिए ही मेडिटेशन जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इनर वर्क में मेडिटेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है अपनी हायर सेल्फ को और ज़्यादा रीच करने के लिए, और ज़्यादा अपने आप को हील करने के लिए। तो बाहर क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है उसे होने दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता। ये होता है 3D वर्ल्ड, राइट। वर्बली बोला जाए कि 3D वर्ल्ड है, इसे ध्यान ना दो, 5D वर्ल्ड में जाओ, तो उससे अच्छा मैं कहूँगी कि जो बाहर चल रहा है उसके ऊपर ध्यान ना दो, जो आप देख रहे हो उसके ऊपर ध्यान ना दो, क्योंकि आँखों से देखा हुआ हर आँखों से देखी हुई हर चीज़ सच नहीं होती। आप इनर वर्ल्ड में जाओ, इनर वर्ल्ड को ही 5D वर्ल्ड भी कहते हैं, जहाँ हमने अपनी दुनिया बसाई हुई होती है। आप उसके ऊपर ध्यान दो और अपनी गट फीलिंग के ऊपर ध्यान दो, और उसके ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना, कभी भी डाउट नहीं करना है कि आप क्या फील कर रहे हो। देखने से ज़्यादा क्या फील कर रहे हो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर हमें उसके बावजूद भी बहुत कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत से कभी कभी थर्ड पार्टी के साथ पिक्चर देख ली, या बहुत ज़्यादा उन्हें हैप्पी मूड में देख लिया, और आप इतने अकेले ही इनर वर्क करते जा रहे हो, मिसिंग एनर्जी है। मिसिंग एनर्जी तो आपकी अकेले की बिल्कुल भी नहीं है, सामने से भी मिसिंग एनर्जी होती है, इसलिए आप मिस करते हो। अदरवाइज अगर वहाँ से नहीं होता तो आपकी तरफ से भी कुछ नहीं होता, ये मिरर रिफ्लेक्शन ही होता है, एक दूसरे का हमेशा चलता रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी हमें लगता है कि ठीक है सब चेजर नहीं करना है, रनर तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ऐसे लग रहा है तो उसके बावजूद भी डाउट आ रहा है, आप अपने आप को कितना भी समझा रहे हो तो भी आपकी नाराजगी नहीं जा रहे, तो सिट फॉर सम टाइम, एक कोने में बैठ जाओ और आप अपने डिवाइन से पूछो, उनकी हेल्प मांगो, उनसे हेल्प मांगो, मेडिटेशन में जाओ, उन्हें रिक्वेस्ट करो, जिसे भी आप मानते हो, जिसे भी आप दिल से, आप जिनको मतलब इस जर्नी में जिन डिवाइन की, जिन भगवान की या जो एनर्जी की आप हेल्प लेते हो या ले रहे हो, ऑब्वियसली ले ही रहे होंगे, तो बैठ के उनसे बात करो।
हमेशा उनके साथ मेडिटेशन में यू नो कनेक्ट होने की कोशिश करो, और हमेशा अपना जो इंट्यूशंस जो होता है ना उसके ऊपर विश्वास रखो। जो भी हमें गाइड होता है वो बिल्कुल 101% राइट होता है, आप उसके ऊपर विश्वास रखो। जो पहला थॉट आपके माइंड में आएगा वो डिवाइन से मिली हुई आपकी गाइडेंस होगी, उसके ऊपर आपने बिल्कुल भी अविश्वास नहीं दिखाना है, वो 101% मतलब जो कहते हैं ना कि बिल्कुल राइट होता है। तो पहले ये करो, और कभी भी ट्रेस फील नहीं लेना है, ट्रेस बिल्कुल होना नहीं है, ओके। कभी भी ट्रेस फील हो रहा हो तो शांति में बैठकर अंदर जाने की कोशिश कीजिएगा, अंदर जाके अपने आप को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सब जो चल रहा है या उनकी तरफ से ये जो डाल रहे हैं स्टेटस पे या जो भी इंस्टा पे जो भी डाल रहे हैं उसे देखने की कोशिश कीजिए अपने मन की आंखों से, तो अपने आप ही सारी चीज़ें अनफोल्ड हो जाएगी, ओके। एकदम बिल्कुल टाइम में ही ना सारी चीज़ें अनफोल्ड हो जाएगी कि ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये क्यों ये कर रहा है, ये सब अपने आप ही आपके सामने धीरे धीरे सब खुलता जाएगा, अनफोल्ड होता जाएगा। पहले तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि ये जर्नी में अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो जो है ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल आपके इनर गट के ऊपर ही डिपेंड है। अगर आपने आपको आपने नेगेटिव थॉट दिए तो आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज भेजोगे, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो यूनिवर्स तक ये मैसेज भेज देगा, भेजने का काम करता है। मतलब ये सुनने में बहुत अटपटा लगता है कि मतलब यू नो विदाउट क्या बोलते हैं कि विदाउट नोइंग समथिंग, या आप बिना कुछ सोचे ऐसे आपके साथ कुछ हो रहा है, लेकिन आप इसे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी ही पूरी एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहती है। तो आप इसके ऊपर विश्वास रखो ना रखो, सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स भगवान डिवाइन इसके ऊपर विश्वास ना रखो, उससे कोई ही यूनिवर्स को या भगवान जी को या डिवाइन को फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस जर्नी में हो इसका मतलब आप डिवाइन पर्सनैलिटी हो, डिवाइन फेमिनियन हो, डिवाइन मस्कुलिन हो, और ये एनर्जी जो है ना मतलब रनर चेजर जो भी है ये एक्चुअली अपने दिमाग का खेल होता है। लेकिन तो भी उसके बावजूद भी अगर आप ये जर्नी में हो और ये आपके साथ अगर आप चेजर हो और वो रनर है तो आपके साथ ये होना ही है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी जब तक हम मिलते नहीं ना एक दूसरे के सामने, आमने सामने आते नहीं, जब तक इंटरैक्ट नहीं होते अपने काउंटर पार्ट से तब तक ठीक रहता है, मगर एक बार जब अपने काउंटर पार्ट को हम क्रॉस हो जाते हैं तो यूनिवर्स जो है अपने आप ही उनका जो काम है उनकी क्लास में बिठा देते हैं और अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं और हमारी क्लासेस जो है स्टार्ट होती है। तो हमें इसके आगे बढ़ना है, हमें स्टक नहीं रहना है। तो बिल्कुल आप जो देख रहे हो उसके ऊपर विश्वास रखने से अच्छा है आपके इनर सेल्फ पे आप काम कीजिए, आपके हायर सेल्फ पे काम कीजिए, अपने काउंटर पार्ट के हायर सेल्फ के साथ हमेशा यू नो कनेक्ट रहिए। आपको रहने की कोशिश करने की ज़रूरत है ही नहीं, आपके काउंटर पार्ट की भी हायर सेल्फ हमेशा अपने साथ रहती है। ये जो आउटर वर्ल्ड है, ये हमारी जो फिजिकल अपना जो माइंड है, ये हमें एक दूसरे से अलग रख रहा है, मगर हमारा इनर कोर हमारे अंदर से हम हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं क्योंकि सोल ने एक दूसरे को पहचान लिया होता है। इसके लिए तो हम इतनी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा मतलब इतनी हद तक हम लोग इतने परेशान होते हैं, इतने दुखी होते हैं, उसके बावजूद भी हम स्टैंड कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है डिवाइन पर्सनालिटी होती है, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, इसके लिए हम स्टैंड ले पाते हैं। अदरवाइज नॉर्मल पर्सन के साथ अगर ऐसी कोई घटना घटे तो आई डोंट थिंक सो कि वो यू नो अपने आप को संभाल भी पाएगी। तो हैट्स ऑफ टू यू जो भी चेजर है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसे कुछ भी हमारे रनर दिखा रहे हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि ये जो दिखा रहे हैं सब दिखावे की बातें हैं, असल में रियल वाली जो भी चीज़ें हैं वो तो कुछ अलग ही है। तो फ्रेंड्स, ये थी बाबा शिव माँ शक्ति से आज की गाइडेंस कि हमेशा अगर हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में पॉजिटिव रहना है
तो बिल्कुल भी बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है उसे देखने से अच्छा आपके अंदर की दुनिया बसाइए, क्योंकि अंदर हम जो सोचते हैं ना वही बाहर हमारा रिफ्लेक्शन बन के आता है। तो हमें जो रिलेशन, जो हमारी बॉन्डिंग जैसे हमें बढ़ानी है अपने काउंटर पार्ट के साथ, वो अंदर हम डेवलप करना स्टार्ट कीजिए, अपने आप ही वो बाहर जो है घटती जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपसे रेजोनेट करी होंगी। बाबा शिव माँ शक्ति ने पता नहीं कितने लोगों को इसका आंसर दिया होगा, कौन किसके लिए ये मैसेज होगा, तो आप देख लीजिएगा, सबके लिए ये मैसेज है एक्चुअली। तो भी उसके बावजूद भी अगर इसमें से दो तीन भी अगर यूजफुल फील करें तो प्लीज़ बिल्कुल मुझे बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है ना ब्लेसिंग्स का काम करते हैं हमेशा मेरे लिए। तो बाबा शिव माँ शक्ति हमेशा बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए ऑक्सीजन है, वो उन्होंने ही मुझे यहाँ तक ये जर्नी में लाया है, हमेशा उन्होंने मुझे गाइड करा है। लिटरली मेरी उनसे मतलब सामने इंस्टीट्यूशंस, मतलब मैं हमेशा उन्हें फील करती हूँ मेरे आस पास। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक माय दिस वीडियो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं और नई नई जो भी मुझे गाइड किया जाएगा बाबा शिव माँ शक्ति से, उसके साथ मैं ज़रूर आऊँगी। तो जल्दी मैं मेरी अपनी नई वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए टिल देन आप सब अपना खूब खूब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।